वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट वेटेड IBPS RRB, कितना कुछ हो रहा था इस एग्ज़ाम के लिए फेक न्यूज़ेस, तो अल्टीमेटली ये आउट हो चुका है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो बैंक एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली एग्ज़ाम जो है थोड़ा ईजी होता है क्लर्क और PO के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले ही फॉर्म भर दीजिए जो है 24 जुलाई से स्टार्ट होके आपका 14 अगस्त तक चलेगा। तो पहले लेट मत कीजिए, पहले ही भर दीजिए। अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप ज़रूर इसको भर दीजिए, पोस्ट भी बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट जो है फ़ीस ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन मोड ही है, कोई ऑफलाइन नहीं है। 600 रुपीज़ बाकी सबके लिए है और 100 रुपीज़ SC ST और PWD के लिए है, ठीक है दोस्तों। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, ये दोनों का अगर क्वालिफिकेशन हम लोग देख लें तो बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन है, आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना है और आपका डिजायरेबल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर में होना है दोस्तों। तो अच्छा सा देख लीजिए, बैचलर डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम से होगा। आपको लोकल लैंग्वेज जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ कहीं पर आप हिंदी में कर रहे थे, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, कुछ भी हो, तो उस लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना है। ये प्रोफिशिएंसी क्या क्राइटेरिया मैं बाद में बोल दे रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका एज जो है एज ऑन 1/7/2017, मैंने 1 जुलाई 2017 तक आपका एज जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 और ऑफिस स्किल असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 to 30 ईयर्स है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए क्या है। पहले प्रीलिम्स होगा, ऑफिस असिस्टेंट का प्रीलिम्स है, उसमें रीजनिंग आएंगे, रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 मार्क्स का और न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ये कॉम्पोजिट टाइम आपका दोनों के लिए 45 मिनट्स है दोस्तों, ठीक है। और इंडिविजुअली कट ऑफ है, आपको हर रीजनिंग में भी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ये निकलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंस में, देखिए ऑफिस असिस्टेंट में क्या है, ऑफिस असिस्टेंट मेंस का क्या है, रीजनिंग है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स और कंप्यूटर है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ये सबका मिला के आपका जो है 2 घंटा 2 आवर्स आपका कंपोजिट टाइम है। अच्छा ये याद रखिए, आप अप्लाई ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं और कोई भी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 कोई भी एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो देखिए प्रीलिम्स है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और ये दोनों का कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स, ठीक है। मेंस का देख लेते हैं, तो मेंस में देखिए रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई एक आप ले सकते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। ये सब मिला के आपका कंपोजिट टाइम जो है 2 आवर्स है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों, तो प्रीलिम्स का अगर आप देखेंगे तो ऑफिसर स्केल का जो डेट है वो 9 सितंबर, 10 सितंबर और 16 सितंबर को अगर ज़रूरत पड़े, 16 सितंबर को एग्ज़ाम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तभी आप 16 को एग्ज़ाम होगा। सिमिलरली ऑफिस असिस्टेंट का 17, 23 और 24 सितंबर 2017 को भी अगर IBPS ने बोला है अगर ज़रूरत पड़े इफ रिक्वायर्ड तब जाके एग्ज़ाम होगा। अच्छा रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स कब डिक्लेयर होगा, अक्टूबर 2017 में डिक्लेयर होगा प्रीलिम्स का दोनों का। ऑनलाइन एग्ज़ाम देख लीजिए, ऑनलाइन मेंस जो है वो कब होगा, वो आपका ऑफिसर का 1, 2, 3 जो तीनों का ही है वो 5 नवंबर को है और ऑफिस असिस्टेंट 12 नवंबर को है। रिजल्ट ऑफ मेंस का डिक्लेयर होगा नवंबर 2017 को, इंटरव्यू ओनली ऑफिसर ग्रेड के लिए, ऑफिसर असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू ऑफिसर्स के लिए दिसंबर 2017 और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो जनवरी 2018 को हो जाएगा दोस्तों। अच्छा नेगेटिव की बात करें तो प्लीम्स और मेंस में नेगेटिव आपको 0.25 मतलब 1/4 है और प्रोफिशिएंसी में जो बोल रहा था, देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज मतलब क्या बोला है IBPS ने, अगर कैंडिडेट किसी का ऑलरेडी लैंग्वेज है जिस स्टेट के लिए, जिस लैंग्वेज के लिए अप्लाई करें, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर लें उसमें उस लैंग्वेज का अगर क्लास 8 और अबव में उनका स्कूल में वो लैंग्वेज अगर
पढ़े हैं तो वो एलिजिबल है। अगर नहीं भी है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोफिशिएंसी विद इन 6 मंथ, आपका ज्वाइनिंग के बाद 6 महीना आपको मिलेगा, और विद इन प्रोबेशन, आपको ये विद इन प्रोबेशन, ये फिर वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है वो लोग क्या करेंगे। तो 6 मंथ दिया हुआ है आपको, 6 मंथ और विद इन प्रोबेशन में आपको ये एक्वायर कर लेना है दोस्तों। तो अप्लाई कर दीजिए बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है IBPS, वैकेंसी बहुत सारा है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, फोकस रहिए, और मैं पूरा इसका रिलेटेड जो भी अपडेट था देता रहूँगा, क्वेश्चंस पैटर्न भी देता रहूँगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फोकस रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपका प्रिपरेशन के लिए, और जल्दी जल्दी भर दीजिए, टाइम मत लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं, गुड बाय।